नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज मनोज प्रजापति के साथ। एसएसपी ग्रामीण टीम थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 22 लाख के पेट्रोल पंप की लूट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जिस पर पुलिस द्वारा 50,000 का इनाम रखा गया था। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे साथ बने रहे। आज थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक 50,000 का इनामी है रंजीत और नंदू, जो कि थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र और इधर ही आसपास ही रहने वाला है। और इन लोगों के द्वारा एक घटना कारित की गई थी पिछले माह मसूरी क्षेत्र में, जहां पर उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मियों से 22 लाख की लूट की थी, जिसमें हम लोगों ने दो अभियुक्त जो पूर्व के थे उनको गिरफ्तार किया था और उनके साथ ही मुठभेड़ हुई थी और उनसे लगभग 17 लाख की बरामद की हुई थी। उसी क्रम में हम लोग इसको काफ़ी समय से ट्रेस कर रहे थे, काफ़ी समय से वांछित चल रहा था, इस पर 50,000 का इनाम भी था। तो उसी में थाना लोनी बॉर्डर की टीम ने सीओ साहब के नेतृत्व में और एसओजी ग्रामीण, इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको ट्रेस करने का प्रयास किया। जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल है और इसको दोनों पैरों में इसकी गोली लगी है, जो इसको हॉस्पिटल भेजा गया इलाज के लिए। बाकी इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की। सर, 50,000 का इनामी बदमाश कहाँ से इस पर इनाम है? पर इनाम थाना मसूरी क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसी घटना को लेकर इस पर 50,000 का इनाम घोषित था। जनपद गाजियाबाद से इस पर आईजी साहब ने इसके ऊपर इनाम घोषित किया था 50,000 का। पहले इस पर 25,000 का इनाम था, जो कि बढ़ा के 50,000 का किया गया था। उसी बदमाश के साथ आज का मुद्दे। सर, किस तरह का अपराध है, कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज है? इस पर लगभग 7-8 के आसपास आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और सभी इस पर जो मुकदमे हैं लूट एवं डकैती के मुकदमे हैं और अधिकतर मुकदमे इसके दिल्ली के हैं और कुछ मुकदमे हमारे यहाँ जनपद गाजियाबाद के। धन्यवाद।